मैम वेट वेट फिर मेरे को जाना पड़ेगा घर पे हमके ठीक है मैं जाके अभी हाँ सेंटर में कर देगा मैं साइड का साइड क्यों ले रहा है कमरा निकाल लो सेंटर में जाके कर लो साइड क्यों मार सेंटर लुक चाहिए ठीक एक बार देख लेते हैं चाय फिर से या बाइट पहले कर राइट हाँ हाँ तमकीन जी हेलो सबसे पहले तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस नए साल में नए प्रोजेक्ट के साथ में तेरे नाल है जीना जी इसके साथ आप लोग नए साल का शुरुआत कर रहे हैं क्या कहना चाहिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि आई एम सो मच थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीवन क्योंकि क्या है ये गाना हमने लॉन्च किया था 31st December को और न्यू ईयर्स पे हम लोगों ने ये गाना लॉन्च किया और एक नई शुरुआत के साथ में गाना लॉन्च किया और उसके बाद मैं क्योंकि तमकीन जो हैं वो अपने म्यूज़िक लेबल के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हैं अपने आप को तो तमकीन खान एंड म्यूजिक करके लॉन्च हो रहा है लेबल एंड ये मेरा सोलो एज अ सोलो डायरेक्टर डेब्यू है और फ्रॉम ज़ार फिल्म्स एंड म्यूजिक सो बहुत खुशी हो रही है और पहला काम है मेरा एज अ डायरेक्टर जिसमें मैंने खुद को फीचर किया है तो आई एम थैंकफुल टू तमकीन थैंकफुल टू गॉड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज सॉन्ग को कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है जी 4 lakh व्यूज क्रॉस ऑलरेडी तेरे नाल है जीना के और बहुत बहुत एक्सट्रीम हार्डवर्क है जुबैर का टू बी ऑनेस्ट डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो तो हर जगह सबने देखा ही है ऑलरेडी उसके बारे में बट येस ये एक नई शुरुआत है और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी इसी तरह का हम कुछ लेके आएंगे नेक्स्ट न्यू और ऑन माई चैनल लेट्स सी व्हाट ग्रोथ तमकीन मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम और वहाँ से फिर ये सफर जर्नी के बारे में कुछ बताएं
इंस्टाग्राम इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट थिंग. ओके, इंस्टाग्राम पे हम 30 सेकंड की 60 सेकंड की रील बना के भी खुश हैं. यूट्यूब पे हम 4 मिनट 5 मिनट का बना के भी खुश नहीं हैं बिल्कुल भी. Absolutely. क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, ये मुझे ज़ुबैर ने समझाया बहुत अच्छे से और बहुत मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, यू शुड डू समथिंग लाइक दिस. और मैंने सच में ये जो मैंने किया है ना अभी, ये सॉन्ग ये कर पाई हूँ मैं बिकॉज ऑफ ज़ुबैर, क्योंकि इसने मुझे बहुत समझाया कि नहीं नहीं करो करो, हम करेंगे साथ में करेंगे एज अ टीम. जब आप लोग शूट कर रहे थे लोकेशन पे, आप लोगों ने मतलब जब शूट किया उसमें आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं जी. आपने जो लहंगा पहना हुआ है उसमें आप बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, उसके बारे में बताएं. ये शूटिंग हमने भोपाल में की है बिकॉज तमकीन भी भोपाल से बिलोंग करती हैं, मैं भी भोपाल से बिलोंग करता हूँ और मेरे मोस्ट ऑफ द टीम जो थी वो भोपाल से हैं और इसमें मेरे बड़े भाई भी फीचर हुए हैं एज अ फ्रेंड. और बहुत जब इन्वायरमेंट आपका फ्रेंडली हो, फैमिली रहे तो बहुत अच्छा लगता है. और मुझे लगा नहीं कि हम लोग ने इतना अच्छे से शूट कर लिया क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह काम की तरह थे क्योंकि हम लोग उस शूट और भोपाल ऑलरेडी खूबसूरत है और जहाँ पे हमने शूट किया है जिस रिसोर्ट में वो ऑलरेडी वर्जिन लोकेशन है, नो वन हैज शॉट देयर ऑलरेडी. तो बहुत ही खूबसूरत जगह को हमने और खूबसूरत तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की. एंड उससे पहले मैं गया था कुछ अनइवन इंसिडेंट की वजह से भोपाल, तो मैंने यहाँ पे गया था और मैं जब देख के आया था ये लोकेशन तो आई वेंट देयर फॉर जस्ट फॉर चिलिंग अराउंड एंड आई डिडंट नो दिस थिंग के इट विल कम आउट सो गुड. तो फिर मैंने फिर डिस्कस किया कि इस पर यहाँ पे गाना शूट होना चाहिए और हम गए और मुझे अच्छा लगा और आपके सामने मैडम से डिस्कस किया एंड एवरीथिंग इज आउट नाउ. आपने लहंगा को कैसे एंजॉय किया उसके बाद? लहंगा अरे यार वो बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि आई विल टेल यू वन थिंग, क्योंकि ये स्टोरी भी मैंने लिखी है, स्क्रीन प्ले भी मैंने लिखा है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी है. तो जब मैं लिख रहा था तो लिखते टाइम मैंने इनसे डिस्कस किया था कि कैन शी कैरी दैट सो ग्रेसफुली एंड ऑल दैट. तो शी सेड आई विल ट्राई, बट देख रहे हैं आप लोग इतनी ब्यूटीफुली इन्होंने कैरी किया उसको और बेस्टेस्ट फ्रेम मुझे भी लगा ठीक है कि वो ब्राइड एंड ग्रूम वाला ही था. नहीं एक्चुअली क्या था ना, वो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए और सबसे ज़ुबैर का ये बोला है कि सबसे मुश्किल काम जो है वो सबसे पहले करना चाहिए. तो हम लोगों ने शूट स्टार्ट में सबसे पहले वही किया था. तो आई वाज लाइक अरे यार मैं कैसे रेडी हूं, मुझसे हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. चल चल चल, बिकॉज़ टू गेट रेडी फॉर द ब्राइडल थिंग इज वेरी टास्कफुल, यू नो, क्योंकि आपको कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रेडी भी होना है और इतने सारे सीन्स हैं और फर्स्ट शॉट है, फर्स्ट सीन है. तो बस ऊपर वाले का नाम लेके वी स्टार्टेड एंड फिनिश दैट. आपने कहा कि आप इस गाने को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं जी, तो इन सब चीज़ों को एक साथ करने में क्या कुछ हर्डल्स आए, क्या कुछ? देखिए मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, रिटन एंड डायरेक्टेड तो स्टोरी तो मैं खुद ही लिखता हूँ और स्क्रीन प्ले भी मैंने लिखा था और डायरेक्शन में मैं क्लियर था क्योंकि जब एज अ डायरेक्टर समवन राइट्स अ स्क्रिप्ट तो वो अच्छे से पिक्चराइज कर पाता है अगर उसी डायरेक्टर ने लिखा होती है स्क्रिप्ट. तो वो दोनों में मैं सॉर्टेड था. बाकी तमकीन से डिस्कस किया था रिगार्डिंग म्यूजिक लेबल, वो चीज़ हुई क्योंकि मेरा जो ज़ार फिल्म्स एंड म्यूजिक है उसने ऑलरेडी 5 to 6 सॉन्ग्स बना दिए हैं और हम लोग ने मैंने अपनी प्रोडक्शन हाउस से एक मूवी भी ऑलरेडी प्रोड्यूस करके बनाई है लिका फिल्म्स के साथ, फेटल, वो भी इंशाल्लाह जल्द आएगी. तो वो प्रोडक्शन ऑलरेडी मुझे पता है एंड हाउ टू के एक दिन की शादी कैसे होती है, उसका जो बोझ होता है ठीक है वो हर दिन में कैसे कन्वर्ट होता है, वो सब मुझे पता था. तो आई डिस्कस एंड मुझे अपनी टीम पे भरोसा था, मुझे मेरी टीम जो है, मेरे भाई हैं, मेरे जो लोग बेस है मेरे प्रोडक्शन का, उन पर भरोसा था कि ये चीज़ बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगी. और बाकी ये जो हैं ये वन वुमेन नामी हैं, आप बोल सकते हैं कि ये हर चीज़ कर लेती हैं. इनको परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ डायरेक्टर भी, एज एन एक्टर तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं क्योंकि जितनी भी मैंने इनकी रील्स देखी थी, जितने भी इनके यूट्यूब के कंटेंट देखे उसमें, क्योंकि मैंने टीवी किया है एंड आई हैव शॉट फिल्म्स ऑल्सो, तो मैं फिल्म टीवी वाला हूँ और ये उस इन्फ्लुएंसिंग पार्ट से आई हैं. तो मुझे बहुत सरप्राइजिंगली बहुत चीज़ लगी, लेकिन हम दोनों का पाथ सेम लगा क्योंकि वहाँ पे भी क्लोज हो रहा है, वहाँ पे मास्टर शॉट्स लग रहे हैं. तो एज अ टीवी एंड फिल्म एक्टर आई फील दैट शी इज़ ऑलरेडी ट्रेंड, जो मैंने टीवी से सीखा वो शायद इन्होंने अपने इन्फ्लुएंसिंग से सीख लिया. तो परफॉर्मेंस वाइज शी इज़ वेरी वेरी फंटेबलस एक्ट्रेस और एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर मैं इनको हमेशा विशेज दूंगा आगे इनके करियर के लिए, क्योंकि ये चीज़ जो इन्होंने की है इस गाने में और जो अपने सॉन्ग्स में करती हैं वो बहुत टाइम लगता है उसको सीखने के लिए. एज एन एक्टर पीपल डू ऑल द
कोर्सेज, यू नो इतने महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं, तो बहुत 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 मैं वही बोलने वाली थी इसका कंप्लीट होने के बाद कि बहुत गाइडेंस दिया है. मतलब ठीक है, आई एम एन एक्टर एक्ट्रेस जो भी है, बट जब तक कोई अच्छा गाइडेंस ना मिले तब तक ये होता है कि हाँ ठीक है हो रहा है, हाँ ठीक है इट्स ओके, हाँ ठीक है ओके ओके मैं काम, ये ओके ओके में नहीं काम चलाता, ये इसको परफेक्शन ही चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसे देखो ऐसे ही देखो. I like 16 hours continuously I used to shoot. अभी भी लास्ट गाना मैं दिल्ली में करके आ रहा हूँ, वो भी बैक टू बैक, और अभी भी कंटिन्यूसली आई एम हेडिंग टू दिल्ली विद हर ओनली, उनके साथ शायद एक और गाना हम कर रहे हैं, तो वो भी मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक टीम को जितना पैशनेटली आई वर्क, एंड एवरी वन शुड वर्क एज अ टीम लाइक दैट, एंड शी हैज़ दैट कैपेसिटी, यू नो. ये बहुत बेहतरीन तरीके से उस कैरेक्टर में मोल्ड होती हैं, चाहे आपने देखा होगा गाने में कि चाहे कॉलेज स्टूडेंट था, चाहे वाइफ थी, चाहे इमोशनल परफॉर्मेंस था, शी हैज़ परफॉर्म द सॉन्ग सो गुड. सो एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, आपका बहुत आसान हो जाता है काम जब एक्टर अच्छे होते हैं, और शी इज़ वेरी गुड ऑलरेडी. तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, द थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम टी वी एंड फिल्म्स, और मैंने इतना काम 10 साल करने के बाद भी आई फील कि किसी के साथ कोई इन्फ्लुएंसिंग करके इतना ट्रेन नहीं हो सकता, विच शी इज ऑलरेडी. So I feel good and I'm happy that the result came out so good. Actually अगर किसी अच्छे एक्टर से, अच्छे डायरेक्टर से अगर इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है सच में. क्योंकि देखो हम लोगों का ऐसे अगर बोला जाए तो बात डिफरेंट है, बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड ही इज नॉट, डेफिनेटली नॉट. ये सिर्फ अपने एक्ट 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 और मैं इन्फ्लुएंसिंग में. तो जब इसने मेरे को देखा एक्ट कि यार नहीं यार तुम तो इतना अच्छा एक्ट कर रही हो, मतलब क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का सबके दिमाग में वही रहता है ना कि 30 सेकंड्स में लिपसिंग कर लेते हैं और क्या करते हैं. नहीं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यही रहता है ठीक है. लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, सच में अच्छा बनाते हैं, मेहनत से बनाते हैं. I'll be honest, मुझे मेरी लाइफ में दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट इंट्रोड्यूस एज इन्फ्लुएंसिंग पार्ट. उसमें कंटेंट जो अब आप खुद का क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें मुझे लगता था कि इन्फ्लुएंसिंग एंड मेकिंग रील्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ओनली लिपसिंग हो रहा है या हाई स्पीड वॉकिंग्स हो रही है, बट दिस इज डिफरेंट थिंग. ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हुई. हम लोगों ने जो रील्स बनाई जब तो मैंने कहा ये तो इट्स लाइक मास्टर शॉट लग रहा है, क्लोज ले रहे हो एंड यू गाइस आर डिलीवरिंग द डायलॉग्स, और ये तो पूरी इट्स आई एम शूटिंग अ फिल्म और आई एम शूटिंग अ टीवी शो, इट इज लाइक दैट. तो मेरे लिए बहुत अलग वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हुई है, और उसमें बहुत बहुत मुझे इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ कि अरे ये तो अवेयर हो गया मन का, इट्स अ गुड कंटेंट मेकिंग, यू नो दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. तो वही कि इन्फ्लुएंसिंग फील्ड में सिर्फ वही वाला नहीं रहता है यार, कि सब लोग ऐसे सोचते हैं, बट जैसे इनको क्लियर हुआ वैसे और भी लोगों को होगा. एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम मैन, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें भी. मुझे इतना नहीं पता था, बट जब मैं इस चीज़ में अंदर मैंने R&D किया रिसर्च के बाद, तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट में लिखा जाती है स्टोरी, स्क्रीन प्ले लिखा जाता है और फिर वो बनाई जाती है. मतलब दिस अ डिफरेंट वर्ल्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस एंड आई एम लविंग इट. आपके कौन कौन से नए प्रोजेक्ट पाइपलाइन है? देखिए मेरी 6 films आर रेडी टू रिलीज़. एक न्याय द जस्टिस मैंने फिल्म की थी, सुशांत की बायोपिक, वो उसको सेंसर हो चुका है, और आई गेस कल ही बात हो रही थी मेरी कि वो दिस फिल्म हैज़ बीन सोल्ड आउट, और वो सबसे बड़ी फिल्म है, मेरे दिल के क्लोज है पहला. दूसरी एक मोटेल है शाशा राम से की, फिर पार्थुदा की प्यार के काबिल है, राजीव वालिया की धड़के दिल बार बार है, और मैं अभी एक फिल्म की है फेटल, जो मेरा प्रोडक्शन उसमें एसोसिएशन में है. उसके बाद फिर सॉन्ग्स कर रहा हूँ, अब डायरेक्टर भी डेब्यू किया है मैंने, तो आई एम शूटिंग सॉन्ग्स, वेटिंग फॉर फिल्म्स एंड कंटेंट. और आई एम यू नो व्हाट, आई एम ऑलवेज लाइक दिस कि मुझे आई ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ इन डिफरेंट थिंग्स, यू नो आई वांट टू एक्सपेरिमेंट माई सेल्फ लाइक दिस कि ये टैलेंट मेरे अंदर है तो लेट्स एक्सपर्टाइज इट. और वही करना भी चाहिए, एक्सप्लोरिंग करते रहना चाहिए. खुद को एक्सप्लोर करेंगे तभी पता चलेगा. अभी मैं आई टेल यू अगेन, आई एम शूटिंग अनदर सॉन्ग. मैं अभी इसलिए हमने इतनी मॉर्निंग में रखी बिकॉज आई हैव वी गॉट अ फ्लाइट इन द इवनिंग, एंड 4:30 की हमारी फ्लाइट है और हम लोग जा रहे हैं, जाना है बिकॉज आई एम अगेन शूटिंग अगेन वन सॉन्ग, एंड उससे पहले भी मैं एक सॉन्ग ऑलरेडी अभी दिल्ली में करके आया हूँ. तो बैक टू बैक दैट आई हैव डायरेक्टेड, दैट इज विदाउट फीचरिंग, दैट इज सोलो डायरेक्शन. एंड बट दिस सॉन्ग जो हम करने जा रहे हैं उसमें आई एम डायरेक्टिंग ऑल्सो एंड फीचरिंग ऑल्सो. प्रोड्यूसर को रोना आ गया था इसके डायरेक्शन की वजह से सुबह से.
सुबह 9 o'clock वी रोल एंड वी पैक्ड अप अराउंड 1 o'clock इन द इवनिंग. या सो बट दैट्स द वे आई वर्क यू नो. आई नेवर, मेरे एक एडिटर हैं यहाँ पे मेरे आए हुए हैं साथ में अंकित. एक मिनट अंकित को बुलाया, जो अंकित आना ठीक है, आ जाओ आ जाओ अंकित, आओ आओ कोई चीज नहीं, आओ इधर आ ठीक है. तो वो मेरे साथ में ट्यूनिंग अच्छी है तो अंकित को पता है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या शूट करना है. हाँ. मुझे तो हम लोग प्री प्रोडक्शन करके बहुत प्री स्क्रीनिंग करके हम लोग जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे. मतलब ये मैं टीम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, होमवर्क करके जाते हैं ये घर से कि क्या करना है. ये अंकित हैं, अंकित दुबे मेरे एडिटर हैं. मोस्टली मैंने अभी तक जितने भी सॉन्ग्स किए हैं और मोस्टली मैं एक और फिल्म करने वाला, मैं तो भूल गया, साइरन द फियर, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तमकीन ऑलरेडी हैं और आई एम ट्राइंग टू कॉप वी आर प्लेइंग एंड इट्स अ फुल फ्लेज 100 एपिसोड्स यू नो back to back and we guys are playing cop. So I am hiring and I am heading him also for the projects because of the songs and everything. So ये introduce पहली बार हुए होंगे life में ठीक है as an editor. क्योंकि editors को नहीं कोई करता है. But what I feel we guys a team और as a director I adore his work and I मुझे मेरी एक friend है खुशी जो जिसने अंकिता लोखंडे का character किया है न्याय में और मेरे साथ दोस्ती की side effect एक film में भी थी. उनके husband है विक्रांत, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं तो ये उनके brother हैं और इसलिए मुझे पता नहीं था कि I had just tested him के the first song but I didn't know. तो kind of nepotism आप कह सकते हैं. सो अब ऐसा है कि कंटिन्यूसली ही शूटिंग विद मी बैक टू बैक तो हम लोग 3 सॉन्ग तो ओनली कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं सायरन भी इनके साथ में करूंगा. स्टोरी बोर्डिंग है सर के साथ में ऑलरेडी चालू है. गुड वन अंकित. तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट है ना. मैं अपने फॉलोअर्स को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हो ना उसका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेटर्स के लिए मेरा सिर्फ एक ही वर्ड रहता है, इग्नोरेंस, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ. और That's part of your profession. Yeah, definitely. क्योंकि अगर हम उनको एंटरटेन करेंगे तो वो फिर ओवर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, इसलिए मैं कभी भी एंटरटेन नहीं करती हूँ. और फॉर माय सपोर्टर्स मैं जितना बोलूँ उतना कम है. कुछ लोग हैं जो मुझे एक्सट्रीम लेवल पे, हाँ एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे वो सब. सबसे पहले मेरे सपोर्टर्स में सबसे पहले मेरी मम्मी है क्योंकि वो मुझे बिगेस्ट एडमायरर, बिगेस्ट सपोर्टर, बिगेस्ट पिलर, क्या बोले, जो कुछ बोल सकते हैं सब कुछ बोल सकते हैं. उसके बाद जो भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मुझे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उन्होंने. उन्होंने समझा है कि नहीं यार मैं कुछ कर रही हूँ तो हाँ नहीं नहीं बंदी हार्डवर्क कर रही है. तो उसके लिए थैंक यू सो मच. और मैं बहुत कुछ अच्छा एंटरटेनिंग लाने वाली हूँ फॉर इसके साथ ही. अच्छा, ये कुछ करने वाला है something very interesting and special. वो जब मौका आएगा तब बताएंगे. And something new also. Yeah. मौका आएगा तो जरूर बताएंगे. बस एक ही चीज मैंने आप लोगों के सामने खुलासा किया था, she's very very fantabulous actress. So वही performance based कुछ ना कुछ होगा. तो actually. आपको आपके गाने को shooting के लिए आप दोनों को बहुत बहुत thank you so much. Thank you. Oh.